तो आइए दोस्तों, आज आप लोगों को असली गन दिखाएंगे, ऑर्डिनेंस की रिवॉल्वर और पिस्टल, और मॉडिफाई में भी दिखाएंगे और बिना मॉडिफाई भी, और इनका प्राइस भी बताएंगे आप लोगों को इस वीडियो में। और वही लोग इंक्वायरी करें जिन लोगों के पास लाइसेंस बन चुके हैं, जिन्होंने बनाने हैं वो लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके लाइसेंस बनाए पहले, फिर आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लाइसेंस नहीं बनाते किसी का, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग अपना नियम होता है। तो उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका लाइसेंस बनेगा और वहीं से आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या चाहिए, तभी जाके आप लोगों का लाइसेंस बनेगा। ये लाइसेंसी वेपन है, जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है या बिना लाइसेंस का गन दे दो ऐसा वैसा, आप बिल्कुल भी नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की हम कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो आज इसी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को ब्राइटी दिखाते हैं और थोड़ा मोटिफिकेशन वाले इस वीडियो में दिखाते हैं आप लोगों को। तो आइए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। तो बहुत टाइम हो गया, आप लोगों को CO2 में ही दिखा रहे थे, नो लाइसेंस वेपन आप लोगों को दिखा रहे थे। तो आज आप लोगों को असली वाले दिखाने वाले हैं। असली वाले दिखाने से पहले आप लोगों के लिए एक डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर ये है, हम सारा ऑर्डिनेंस का आप लोगों को दिखा रहे हैं आज इस वीडियो में, रिवॉल्वर पिस्टल। तो डिस्क्लेमर ये है दोस्तों कि आप लोग जिनके पास लाइसेंस है वो लोग इसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो लोग इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं, उनको हम फोटो भी नहीं भेजेंगे। जिनके पास लाइसेंस बने हैं उनको भी हम फोटो नहीं भेजेंगे। लाइसेंस आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने तहसील में जाके आप पता करेंगे कैसे बनता है, क्या बनता है। हर स्टेट का, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना नियम होता है, तो उस हिसाब से आप वहाँ पर पता कर सकते हैं। बाकी आज हम आप लोगों को जो जो इंडिया में मिलती है और किस प्राइस में मिलती है और कौन कौन सा मॉडल मिलता है वो आप लोगों को सारा कुछ हम दिखाएंगे, और मॉडिफाई भी, बिना मॉडिफाई भी, ये इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे। बाकी मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि जो जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो इनके बारे में इंक्वायरी ना करें, जिनके पास लाइसेंस भी है तो उनको हम व्हाट्सअप में या कहीं पर भी इनका फ़ोटो नहीं भेजेंगे। प्राइस मोटा मोटा आज आप लोगों को इसी वीडियो में बता देंगे। तो दोस्तों, ये सारे मॉडल हैं इंडियन ऑर्डिनेंस का, ये आप लोगों को दिखाएंगे और एक एक करके पाजी इनके बारे में बताएंगे, क्योंकि मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, इनका प्राइस राइज ज़्यादा पता नहीं है और कौन से मॉडल का क्या नाम है तो ये ज़्यादा पता नहीं है। तो पाजी इसका इसके बारे में बेहतर बता पाएंगे, तो आपको दिखाएंगे और इनके बारे में एक एक करके आप लोगों को बताएंगे। आजकल इंडिया में 3 प्रकार के रिवॉल्वर आ रहे हैं, मोस्टली जो कॉमनली सेल होते हैं। ये है Mark III, जो सबसे चीपेस्ट मॉडल है ऑर्डिनेंस का आज की डेट में, ये आप देख सकते हो। ये 6 शॉट होता है, ऐसे ओपन होता है, ये इजेक्टर होता है इसका, यहाँ से कांटे बाहर आ जाते हैं, ये सेफ्टी है, ओके, ये एस पे सेफ है, फिर फायर है। ये सबसे चीपेस्ट मॉडल है आज की डेट में ओडिनस का। इसकी प्राइस लगभग आपको 90,000 के अराउंड चलता है ये। सेकंड उसके बाद आ जाता है जी निशांक, जिसकी इन्होंने बैरल एक्सटेंड की हुई है, और ये है कमानी बेस्ड पिस्टल रिवॉल्वर। ये था स्प्रिंग बेस्ड, Mark III है स्प्रिंग बेस्ड, ये कमानी वाला आ गया जो वेबले में भी यूज़ होती है। ये थोड़ा सा लाइट ट्रिगर हो जाता है इसका, और इसकी बैरल लंबी कर दी, ये बहुत सॉफ्टली चलता है उससे एज़ कम्पेयर टू Mark III। ये भी 6 शॉट है, बाकी एग्जैक्टली सेम ही है, वो कोई डिफरेंस नहीं है इनमें ज़्यादा, लेकिन इसकी प्राइस में अप्रोक्सीमेट 110 के अराउंड चलता है ये ओडिनस का। इसको निशांक, अभी निशांक Mark I के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अभी लेटेस्ट आया है प्रहार, ये स्मॉल आर्म फैक्ट्री ओडिनस का बनाया हुआ है। ये भी 6 शॉट है, वैसे ही ब्रेक पैरल है ऊपर से, और ये इसकी मार्क क्षमता है 50 मीटर, और ये भी स्प्रिंग बेस्ड है। इसका ट्रिगर भी इनको टेक्नोलॉजी थोड़ी सी अच्छी कर दी है, लाइट है, और ये सेराकोट होके आता है, आप देख सकते हो, डबल ड्यूल कलर में आता है, और काफ़ी अच्छा रिवॉल्वर है ये भी। उसके बाद आपको इस प्रकार से आपको मॉडिफाइड मिल जाएंगे, जैसे कि ये प्रॉपर शेप बनी हुई है, ये ग्रिपिंग हुई हुई है, ब्लोइंग हुई हुई है, ऐसे आपको मॉडिफाई करवा सकते हो। आप निकल भी करवा सकते हो ऐसे डबल ट्यून में, आप ऐसे फुल में चाहिए तो वो ऐसे करवा सकते हो। ये प्रहार आप देख रहे हो मॉडिफाइड। तो ये मॉडिफाई करके कितने का मिलेगा, जैसे ये निशांक है, ये बिना मॉडिफाई है और ये मॉडिफाई है, तो मॉडिफाई करके तकरीबन 5 से 10 हज़ार की डिफरेंस हो जाता है इनका मॉडिफिकेशन का, जैसे आप करवा रहे हो, मतलब कि जो सा कलर करा रहे हो वो 5 से लेके 10 हज़ार तक अलग अलग कॉस्ट है उसकी। तो देखिए दोस्तों, इसका ग्रिप भी चेंज हो जाता है मॉडिफाई करके, 5-10 हज़ार में मॉडिफाई भी हो जाती है आपकी बढ़िया करके। तो ये साहिबजादा गन हाउस यहाँ मोहाली में, आप लोगों को नीचे एड्रेस दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से डायरेक्ट जो मैप होता है वहाँ पे ऑन करके आप यहाँ डायरेक्ट दुकान में आ सकते हैं। ये मोहाली में है साहिबजादा गन हाउस। उसके बाद सर ये आ जाती है 2 पिस्टल ऑर्डिनेंस के, एक RFI का है, एक GSF का है। ये GSF है, ये RFI है, इन दोनों में दोनों 8 शॉट है। अभी 10 शॉट भी लॉन्च कर दिया, लेकिन ये मोस्ट यही ज़्यादा चल रहे हैं, क्योंकि उसमें थोड़े सा मैगजीन एक्सटेंड किया है, काफ़ी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है।
तो ये आप GSF का देख रहे हो, ये RFI से चीपेस्ट है, ये अराउंड 1 लाख 10 थाउजेंड के राउंड है और ये 1 लाख 20 थाउजेंड के राउंड है RFI का। इन दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये इसमें पाउडर कोटिंग होकर आ रहती है, ये निकल होकर आता है। इसमें पाउडर कोटिंग भी मिल जाएगा आपको, लेकिन इसमें निकल नहीं मिलेगा। इसमें बस मेनली एक हैमर का डिफरेंस है, बाकी एग्जैक्टली सेम ही है दोनों। ये आपको RFI और GSF का मैं दिखा रहा था, इनमें भी मॉडिफिकेशन हो जाती है आपको। जैसे ये देख रहे हो, ये मैट फिनिश में निकल कलर आ गया RFI का, आप देख रहे हो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दी हुई है इसमें, ठीक है। साथ में ग्रिप चेंज हो गए अकॉर्डिंग टू से शाइप, बिल्कुल एग्जैक्टली बहुत अच्छे ग्रिप CNC मशीन से बन जाते हैं। इसकी कॉस्ट भी 5 से लेके 30 हज़ार तक है, डिपेंड करता है कैसा आप करवा रहे हो। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा लाइट से ऊपर से चमक रहा है, मैं देखूंगा कुछ क्लोज अप फोटो मिलेंगे तो मैं क्लोज अप फोटो आप लोगों के लिए डाल दूंगा। तो मॉडिफिकेशन आप जैसा कराना चाहें वैसा करा सकते हैं। ये देखिए, ये पता नहीं कोई और मॉडल तो नहीं है, अभी पाजी बताएंगे इसके बारे में। ये देखो आप, सेम चीज़ है, लेकिन इसमें जैसे ये आप शू भी लगवा सकते हो, रिब भी लगवा सकते हो ऊपर। ये देखिए, ये नीचे इसका ये चेंज हो गया, तो कितना बढ़िया सा लग रहा है ये नीचे, और इसके में ऐसा सिंपल है ये देखिए, और ऊपर रिब लग गया हुआ है इसका, ऊपर रिब लगा है इसमें देखिए, और इसमें देखिए, और ये नीचे ये देखिए, मज़ा ही आ जाता है। मॉडिफिकेशन जैसे जैसे आप ज़्यादा बढ़िया कराएंगे, और ये जो ग्रिप बनी है ये भी CNC मशीनिंग कटिंग करके बनी है, तो एकदम बढ़िया होगी, जेन्युइन चीज़ होगी। तो जैसे ही बाद आ जाता है ये कोल्ड शेप वाला, ये भी ओडिनस का ही पिस्टल है। इसमें शेप आप देख रहे हो काफ़ी अच्छी चेंज कर दी गई है, जो कि बहुत डिमांडिंग आजकल चल रही है ये शेप में पिस्टल। तो आप देख रहे होगे इसमें आपको मैगजीन रिलीज भी ऑटोमेटिक हो जाता है, ये स्प्रिंग सिस्टम होता है, और सेफ्टी सूफ्टी सब कुछ प्रॉपरली वर्क करता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी ये डबल शेप में आ जाता है, मतलब कि आप कोल्ड शेप में देखते हो इसको, मोस्टली कोल्ड शेप में पिस्टल बोलते हैं। हाँ जी, तो देखिए दोस्तों ये क्या डिजाइन है, क्या मज़ा ही आ जाता है। ये देखिए, तो आज आप लोगों को असली वाली दिखा रहे हैं, और इंक्वायरी वही लोग करें जिनका लाइसेंस बन चुका है, बाकी लाइसेंस बनाने के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट में पता करें आप लोग। ये देखें तो इनका प्राइस भी बताएंगे पाजी, अगर मॉडिफिकेशन करके कितने का पड़ता है वैसे। ये मॉडिफिकेशन ना सर नॉर्मली 5 हज़ार से स्टार्ट हो जाती है, नॉर्मल मॉडिफिकेशन। उसके बाद ये रिब वाली आ जाती है, शू लग जाता है इसको, फिर 3-4 हज़ार एक्स्ट्रा और हो जाता है। अगर ये शेप में करवाना है तो फिर ये ज़्यादा कॉस्टली है, इसमें 25-30 हज़ार का खर्चा आ जाता है लगभग। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं, आप जैसे मर्जी अपना पिस्टल मॉडिफाई करवा सकते हो, कुछ भी आप नया वेपन लेना हो वो ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो देखिए दोस्तों, ये सारा कुछ आप लोगों को हमने दिखाया, और ये सारा टेबल में रखा है, और एक नज़दीक से आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो में आप लोगों को दिखा देता हूँ।